नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर शायद अब सुरक्षित नहीं है। कभी यहां सारी रात लोग निडर होकर आया जाया करते हैं, लेकिन अब यहां शाम होने के बाद बदमाशों का डेरा डल जाता है। इसे कानून व्यवस्था की नाकामी कहें या बेरोजगारी के चलते बढ़ रहे अपराधियों का ग्राफ कहें, क्योंकि एक बार फिर रीवा शहर के बीचों बीच पैदल जा रहे चिकित्सक के ऊपर हमला कर अज्ञात आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और आरोपी फरार हो गए हैं। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, जो शांति कुंज आजाद नगर उरहट रीवा के निवासी हैं और आरएसडी के एसजीएमसी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में बतौर डॉक्टर पदस्थ हैं, उन्होंने रात्रि लगभग 2 बजे थाने पहुंचकर बताया कि आज उनके मां की 13वीं है, जिसमें शामिल होने के लिए वह अंबिकापुर से बस से चलकर रीवा आए थे और न्यू बस स्टैंड में उतरने के बाद पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह बड़ा मोहल्ला स्थित रॉयल पैलेस विवाह घर के सामने पहुंचे, तभी अज्ञात 3 बदमाश आए और चाकू सहित पिस्टल अड़ाकर उनसे लूट करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एक आरोपी ने उनके पांव में चाकू मार दी, जबकि दूसरे ने कनपट्टी पर पिस्टल अड़ा दी और उनका बैग, पर्स, मोबाइल लेकर फरार हो गए। लहूलुहान अवस्था में थाने पहुंचे चिकित्सक ने बताया कि एक आरोपी की उम्र तकरीबन 25 वर्ष थी, जबकि 2 आरोपियों की उम्र 18 से 20 वर्ष की थी। चिकित्सक के साथ हुई लूट की वारदात के बाद अपने भतीजे को लेकर थाने पहुंचे, जहां वारदात के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बीच शहर हुई चिकित्सक के साथ लूट की वारदात के बाद सनाका खिंच गया है। आरोपी चिकित्सक से नकदी सहित अन्य सामान लूट ले गए हैं।